आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक नई कॉमिक को जिसका नाम है हाउ टू गेट लकी। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्लास खत्म हो जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर घर को जा रहा था। एक लड़का उसकी दोस्त को बोल रहा था, क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ टियान मैंग्वेन। ये सुनकर लिंग फेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और टियान को बोलता है, क्वाइन क्वाइन समय हो गया, घर चलो। टियान हमारा मेन कैरेक्टर को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है लिन फेंग। फिर लिन फेंग टियान का हाथ पकड़ लेता है और वहां से जाने लग जाता है और बोलता है उसे इग्नोर करो और चलो मेरे साथ। जैंग गुस्से से बोलता है, तुमने उसे अभी क्या बोला। लिंग फेंग बोलता है, उसका जो खास दोस्त होता है वही उसे क्वाइन क्वाइन बोलता है, तुम्हें इससे प्रॉब्लम। जैंग गुस्से में आकर बोलता है, बकवास बंद करो, और फिर उसे पंच मारने लग जाता है। लेकिन लिन फेंग उसे पंच पहले ही मार देता है और बोलता है, मैं शांत होते होते थक गया हूँ। फिर लिन फेंग और टियान वहाँ से चले जाते हैं। टियान बोलती है, फेंग तुम ठीक हो ना। लिन फेंग बोलता है, तुम्हें क्यों लगा मैं ठीक नहीं हूँ। टियान बोलता है, जैंग को खासकर गुंडा भी बोला जाता है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो तुमसे बदला न ले। लिन फेंग बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और वो उसके सर में हाथ देकर बोलता है, ये मेरा पहली बार है, तुम्हारे लिए मैंने फाइट लड़ा है और मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, चिंता मत करो तुम घर जाओ। और वो शर्माते हुए बोलती है, ठीक है फिर मैं घर जाती हूँ। फिर टियान वहाँ से चली जाती है अपने घर। टियान के जाने के बाद लिंग फिंग को डर के मारे बहुत ही पसीना आ जाता है और अपने मन में बोलता है, जैंग के पास बहुत ही गुंडे दोस्त हैं, अगर उसे कोई मदद करने मिल गया तो मैं बहुत ही मार खाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो मुझे मार कर ऐसा छोड़ेगा नहीं। फिर उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है और वो पीछे मुड़कर बोलता है, कौन है वहाँ पर। हाँ कोई भी नहीं है यहाँ पर। फिर अचानक से एक आदमी बोलता है, तुम्हारे ऊपर। लिनफेंग बोलता है, तुम कौन हो। वो बोलता है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा नाम है यूलियो और मैं मैच मेकिंग गॉड हूँ। लिनफेंग ये सुनकर पत्थर ही बन जाता है। फिर कुछ देर के बाद लिंगफेंग बोलता है, तुम वही यूलियो हो ना, पुराने चाइनीज इतिहास वाले, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। यूलियो बोलता है, कोई गंभीर बात नहीं है, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम कल मरने वाले हो उनसे। लिंगफेंग बोलता है, फिर कोई ऐसा जादू है जिससे मैं मरने से बच जाऊंगा। लिटिल गॉड मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास कोई स्पेशल ट्रिक होगा जिससे मैं बच जाऊँ। यूलियो हंसते हुए बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है जो तुम अभी इस्तेमाल कर सकोगे। फिर उसे एक कार्ड दे देता है। लिंगफेंग वो कार्ड देकर बोलता है, वन नाइट स्टैंड, ये क्या बकवास है। यूलियो बोलता है, मैं तुम्हें ये देखकर कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है क्या तुम्हारा फिर से पुनः जन्म हुआ है और तुम पिछले 8 जन्मों से वर्जिन ही मर रहे हो। अगर तुम फिर से कल मर गए तो तुम फिर से वर्जिन ही मरोगे। लिनफेंग बोलता है, ये मेरा 9वां जन्म है और मैं फिर से मरने वाला हूँ, वो भी फिर से वर्जिन। यूलियो बोलता है, ये कार्ड जो मैंने तुम्हें दिया ये कोई नकली नहीं है, तुम कल मरने वाले हो, तुम्हारे पास आज का ही दिन है, तुम इस नंबर पर फोन करो और तुम 9 जन्मों के वर्जिन को तोड़ दो। लिनफेंग हंसते हुए बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 9 जन्मों के वर्जिन को लेकर मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर तुम असली हो या नकली। मैं 8 जन्मों से यहाँ तक आया हूँ तो मैं कैसे ये अपने वर्जिन को तोड़ सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए। हालांकि मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। यूलियो अपने मन में बोलता है, मैं पूरी दुनिया के शादी को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ये लड़का 8 बार ऐसे ही वर्जिन मर गया, अगर ये ऐसे ही रिकॉर्ड बनाता रहा तो मेरा पोजीशन बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएगा। कैसे भी करके ये मर नहीं सकता कल, ये फिर से मर नहीं सकता वर्जिन, मुझे इसकी मदद करनी होगी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। फिर वो अपना एक बुक निकालते हुए देता है और बोलता है, आज तुम्हारा लक्की डे है, मेरे पास तुम्हारे लिए लव की किताब है। फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। लिंगफेंग अपने मन में बोलता है, वो भगवान मुझे जाने से पहले कुछ बोला था, तुम्हें पीस ब्लॉसम पॉइंट मिलेगा जब तुम टास्क कंप्लीट करोगे, अगर तुम फेल होकर मर गए तो तुम फिर से जन्म नहीं ले पाओगे। फिर वो अपने फ़ोन में देखता है और बोलता है, मुझे यह ऐप बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और फिर उसे याद आता है, क्या वो अजीब सा गोल्डन रोशनी की वजह से ऐसा हो रहा है, चलो इसे खोल कर देखते हैं। जैसा वो बताया था कि ये चीज़ भगवान का खजाना है। फिर वो ऐप में देखते हैं, बहुत सारे अलग सा स्किल दिख रहा है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे लिए एक टास्क है और उस टास्क में लिखा होता है, टास्क लेवल ग्रेड बी। मैंगविन कौन सी कलर की अंडरवियर पहनी है वो ध्यान से देखो, टास्क कंप्लीट होने के बाद तुम्हें 5 20 ब्लॉसम पॉइंट मिलेंगे। ये देखकर उसके हाथों से फोन गिर जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो अपने मन में बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, ये असल में सही है क्या गलत। फिर वो टियान के विंडो के इधर जाके नॉक करने लग जाता है। टियान सोचती है, इतने रात को कौन आ गया,
और वो जैसे ही पर्दा खोलकर देखती है वहाँ पर लिन फेंग होता है और बोलता है, हाय क्या मैं अंदर आ जाऊँ? टियान बोलती है, ठीक है आ जाओ, आओ आड़ इस कुर्सी में आकर बैठ जाओ। लिन फेंग बोलता है, कोई बात नहीं तुम बैठ जाओ वहाँ पर, तुम अभी होमवर्क कर रही हो ना, कर लो पहले, मैं तुम्हारे बेड में बैठ जाता हूँ। टियान बोलती है, जब हम लोग हाई स्कूल में थे तुम बहुत ही कम मेरे घर में आए हो, कुछ हुआ है क्या? लिन फेंग बोलते हैं, नहीं कोई इतना सीरियस बात नहीं है, मैं सो नहीं पा रहा था इसलिए मैं किसी को देख रहा था कि कोई मुझसे बात करे। तुम अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो पहले, मैं कुछ देर यहीं पर बैठा हूँ। टियान बोलती है, ठीक है। फिर वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने लग जाती है। दूसरी तरफ लिन फेंग एक जॉम्बी की तरह उठता है और टियान के पीछे खड़े हो जाता है और पूरा मेहनत करने लग जाता है टियान के बुक्स देखने के लिए कि वो भगवान असली है कि नहीं। फिर कुछ देर की मेहनत करने के बाद वो उसका कलर देख पाता है। फिर वो जाते हुए बोलता है, किन किन मैं जा रहा हूँ यहाँ से। टियान बोलती है, मेरा हो ही गया, तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें नींद नहीं आ रहा। लिन फेंग बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे नींद आ रहा है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे सही में 5-20 ब्लॉसम पॉइंट मिल गया, अगर मैं फेल हो गया तो मैं सही में मर जाऊंगा, अगर उसने जो बोला था वो सही होगा तो मैं सही में कल मारा जाऊंगा क्या? और वो गुस्से से बोलता है, ये किताब सही में ताकतवर है जैसा उसने कहा था, फिर इसका मतलब है कि मैं 5-20 ब्लॉसम पॉइंट कहीं पर यूज़ कर सकता हूँ। और वो फ़ोन में देखकर बोलता है, ये तो फिजिकल डिफेंस टेक्निक है, इसका सिर्फ 3 पॉइंट है, मैं इसे ले सकता हूँ। फिर उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, मेरे माइंड में कुछ नॉलेज है लेकिन मुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, क्या मैं मास्टर हो गया हूँ इस टेक्निक में? अगर ये आयरन ग्लोथ जैसा बोला गया वैसा निकलेगा तो मैं कल से कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहूंगा, मैं रुक नहीं सक रहा हूँ कल के लिए, कल से हमें समर यूनिफॉर्म पहनना होगा और लड़कियों का समर यूनिफॉर्म तो अलग ही है। फिर यही सब सोचते सोचते वो सो जाता है। फिर अगला दिन जैसे ही क्लास ख़त्म होता है वहाँ पर सैंग आ जाता है और बोलता है अपने दोस्त को, क्लास खत्म हो गया, अब वो कमीना निकलने ही वाला, कभी भी प्लीज उसको अच्छा सबक सिखाना, ये जो राइट की तरफ है ना वही है। फिर वो आदमी लिंगफेंग की ओर जाता है, हे कमीने आगे वाले। लिंगफेंग सोचता है कौन है और वो जैसे ही पीछे मुड़ कर देखता है वो आदमी उसके मुंह में एक जोर से पंच मारता है और वो हंसते हुए बोलता है, मेरे से पंच खाने के बाद भी तुम खड़े हो, बहुत ही अच्छे है, तुम मेरे साथ काम करो। लिंगफेंग उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता। फिर वो आदमी गुस्से से बोलता है, ज़्यादा भाव मत खाओ, और उसे एक जोर से पेट में पंच मार देता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। फिर लिंग फेंग उसे एक जोर से पंच मारता है, ये देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सैंग बोलता है, नामुमकिन। दूसरी तरफ लिंग फेंग उस आदमी को बोलता है, देखो कौन खड़ा है लास्ट में। वो आदमी सामने वाला पत्थर उठा लेता है और बोलता है, तुम मेरे मुक्के से बच गए हो लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। और फिर वो पत्थर उसकी ओर फेंक देता है और बोलता है, बाहर में जाओ तुम। लिंग फेंग वो पत्थर पकड़ लेता है, ये देखकर वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? लिंग फेंग बोलता है, तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी। वो आदमी माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था आप इतने ताकतवर हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे चल के आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारिए। फिर वो पत्थर फेंक देता है। लिंग फेंग बोलता है, भूलना मत जो तुमने कहा था, मुझे आगे चल के तुम्हारी मदद लगेगी। वो आदमी बोलता है, हाँ बॉस मैं कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने बोला है आपको। फिर टियान और ली फेंग चले जाते हैं घर के लिए। फिर सेंग उसे आकर बोलता है, ब्रो तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वो आदमी बोलता है, बाहर में जाओ, तुम मुझे मार ही दिए थे, तुम्हें पता है, तुम्हें ये भी पता है कि वो कितना ताकतवर है। और वहाँ पर खड़ी ऑफिसर ये सब देख लेती है।